हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको ये स्केच ड्रॉ करके दिखाऊंगा सलवार और दाढ़ी का, जो कि मैंने रिसेंटली ड्रॉ किया था। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा अच्छे से कि किस तरह से मैंने ये स्केच ड्रॉ किया था और कौन सी पेंसिल्स का यूज़ किया था, किस तरह से शेडिंग की थी, कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया था। तो इस वीडियो में अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बाय द वे, ये फोटोग्राफ है जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड करके ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके आउटलाइंस के लिए मैंने ग्रिड्स का यूज़ किया था। तो अगर आपको ग्रिड्स से ड्रॉ करनी है ना आउटलाइंस, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है किस तरह से ग्रिड्स का यूज़ करके आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये वैसे काफ़ी ईजी फोटोग्राफ है, तो आप फ्रेंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से आप ड्रॉ कर पाएंगे। फ्रेंड के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी आपको ग्रिड्स का यूज़ करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है किस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्रिड्स का यूज़ करके आउटलाइंस। और इसको कंप्लीट ड्रॉ करने में मुझे 3.5 आवर्स लगे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट कर रखी है। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा इससे। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं वीडियो में बताता जाऊंगा कि मैंने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए। बाकी आप मेन तो शेडिंग देखना कि मैंने किस तरह से शेडिंग की है, किस तरह से मेरे हाथ चल रहे हैं, तो आप वो देखना वीडियो में अच्छे से, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं उससे। तो सबसे पहले मैं 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए लाइटली। तो अब मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ आईबॉल में, क्योंकि आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में आईबॉल बिल्कुल डार्क है इसलिए, और आइज़ में जो डार्क पार्ट होगा वो मैं 10B पेंसिल से ही ड्रॉ करूँगा। और यहाँ पे लाइटली शेडिंग करने के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं अच्छे से फोटोग्राफ में देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे किस तरह की डिटेलिंग है, क्योंकि ये ओल्ड मैन का फेस है, तो इसमें काफ़ी कुछ इसमें डिटेल्स होती है छोटी छोटी, तो उसको ड्रॉ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं फोटोग्राफ में अच्छे से एक एक चीज़ देख के ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे इसमें मैंने ज़्यादा शेडिंग ही की है, ब्लेंडिंग बिल्कुल कम ही की है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ हल्के हाथ से, तो मैंने इस तरह से हल्के हाथ से ही ब्रश का यूज़ करके ब्लेंडिंग की। और डिटेलिंग के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल्स का भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और आईब्रोज के लिए वही 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं उसी तरह से दूसरी आई भी ड्रॉ कर लूंगा। Thank you.
आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पे आइस के ऊपर और नीचे लाइन लाइन से बनी हुई है, तो उसको ड्रॉ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओल्ड मैन के फेस में इस तरह से डिटेल्स होती है, तो उसको ड्रॉ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे ही काफ़ी रियलिस्टिक लुक आता है। जो भी मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ ना, वो मैं 6B पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई और पेंसिल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ओनली 6B पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं हल्के हाथ से ब्लेंड कर दूंगा जो कि मैंने शेडिंग की है। यहाँ पे जो मुस्टेच है वो बिल्कुल फाइन ड्रॉ करनी है, इसलिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब देख सकते हैं फोटोग्राफ में बिल्कुल मुस्टेच है वो बिल्कुल डार्क है और बिल्कुल फाइन है, इसलिए मैंने अच्छे से पेंसिल को शार्प कर रखा है। तो मैं बिल्कुल आराम से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल बड़ी मुस्टेच है, इसलिए मुस्टेच के लिए चारकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी की शेडिंग ग्रेफाइट पेंसिल से की है, इसलिए मैंने ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ कर लिया यहाँ पे मुस्टेच के लिए।
अब मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ लाइटली शेडिंग करने के लिए। और जो मुस्टैच है उसकी शेडो भी बन रही है फेस पे, तो वो भी मैं अच्छे से देख के फोटोग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन की। तो यहाँ पे जो नेक का पार्ट है वो बिल्कुल डार्क है, तो इसलिए मैं बिल्कुल हल्के हाथ से ही डार्क कर रहा हूँ अलग अलग डायरेक्शन से शेडिंग करके, जिस तरह से मैंने आपको शेडिंग वाली वीडियो में बताया था। तो मैं फिर से 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ फेस पे शेडिंग करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी डार्क शेडिंग है, आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और जो फेस पे मुस्टैच की शेडो बन रही है वो भी मैं ड्रॉ कर लूँगा 6B पेंसिल का यूज़ करके। फेस पे जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना वो भी मैं अच्छे से फोटोग्राफ में देख के ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो अब मैं ईयर ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ लाइटली आउटलाइंस के लिए, और उसके बाद मैं उसको डार्क करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो ईयर में जो डार्क पार्ट है उसको ड्रॉ करने के लिए मैं 10वीं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको एकदम से डार्क कर लूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रंट में बिल्कुल डार्क है इसलिए। और उसके बाद मैं 6वीं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ बाकी का पार्ट शेड करने के लिए। और ब्लेंड कर रहा हूँ मैं हल्के हाथ से ब्रश का यूज़ करके। फोटो में आप देख सकते हैं माथे पे लाइन सी बनी हुई है, तो मैं अच्छे से फोटोग्राफ में देख के अच्छे से एक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 2B पेंसिल का यूज़ करके। और मैं कंप्लीट माथे पे शेडिंग कर रहा हूँ 2B पेंसिल का यूज़ करके लाइटली। और उसके बाद थोड़ा डार्क करने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और फिर ब्लेंड कर लूँगा ब्रश का यूज़ करके, और थोड़ा बहुत मैं टिश्यू पेपर का भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और जो माथे पे लाइन सी बनी हुई है उसको भी मैं डार्क कर लूँगा 6B पेंसिल का यूज़ करके। और आप फेस में देख सकते हैं हाइलाइट्स है छोटे छोटे वाइट वाइट, तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आसानी से हाइलाइट्स हो सकते हैं इस तरह के फेस पे। तो अब ड्रॉ करते हैं हेयर्स। तो हेयर्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल, क्योंकि फ़ोटो में बिल्कुल डार्क हेयर्स है इसलिए। तो मैं सबसे पहले बिल्कुल लाइटली ड्रॉ कर लूँगा एक एक हेयर्स जिस भी डायरेक्शन में फोटोग्राफ में है। हेयर्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि इस तरह से चारकोल पेंसिल से ड्रॉ करने हैं हेयर्स। रियल टाइम वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको देखनी है तो वीडियो। वैसे इसमें भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप अच्छे से देखेंगे तो। तो बिल्कुल लाइटली हेयर्स ड्रॉ करने के बाद मैं ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर रहा हूँ हल्के हाथ से। और पेंसिल को अच्छे से शार्प करके मैं फिर से उसको डार्क कर रहा हूँ, और हेयर्स में बिल्कुल हल्के हाथ से ही ड्रॉ करूँगा, क्योंकि बाद में उस पर हाइलाइट्स भी करने हैं इसलिए।
आपको बस यही देखना है कि मेरे हाथ किस तरह से चल रहे हैं, किस किस डायरेक्शन से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हेयर्स, जैसे कि साइड के हेयर के लिए मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा था और ऊपर के हेयर्स में किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन से मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, तो वही आपको काफ़ी अच्छे से देखना है। जैसे कि मैं ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ क्योंकि फोटोग्राफ में उसी तरह से दिए हुए हैं, इसलिए और यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा डार्क है इसलिए मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर से मैं ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर दूंगा कंप्लीट हेयर्स को। ब्लेंड करने के बाद मैं टोम्बो मोनो जीरो इरेजर से हाईलाइट्स कर रहा हूँ, जिस तरह से फोटोग्राफ में आपको वाइट वाइट दिख रहा होगा, तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़े थोड़े हेयर ड्रॉ करने के लिए मैं फिर से चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और साइड में भी थोड़े हेयर्स है तो उसको भी ड्रॉ करने के लिए मैं उसी पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। और जो छोटे छोटे हेयर्स बाहर निकले हुए हैं ना, उसके लिए मैं मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ कैमलिन की, क्योंकि उससे बिल्कुल पतले पतले हेयर्स ड्रॉ हो जाते हैं जो कि इस तरह से बाहर निकले हुए होते हैं, और उसको ड्रॉ करना भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे ही काफी रियलिस्टिक लगते हैं हेयर्स। तो अब मैं यहाँ पे टिप्स लगा रहा हूँ नीचे, बिल्कुल सही बॉर्डर मिले इसलिए। तो अब मैं क्लोथ्स ड्रॉ कर रहा हूँ और आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं बिल्कुल डार्क क्लोथ्स है, तो उसके लिए भी मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। और मैं शेडिंग उसी तरह से करूँगा जिस तरह से मैंने आपको बताया था, अलग अलग डायरेक्शन से।
और क्लोथ्स में वाइट वाइट हाइलाइट्स भी है, तो उसको भी मैं ड्रॉ करूँगा टोमोमोनो जीरो इरेजर से। यहाँ पे टाई में लाइन लाइन सी बनी हुई है, तो उसको मैं अच्छे से पेंसिल को शार्प करके ड्रॉ कर रहा हूँ। सो गाइज, ये है फाइनल स्केच जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से दिखाया। आप भी इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया। मैंने तो इसमें चारकोल का भी यूज़ किया और ग्रेफाइट पेंसिल्स का भी यूज़ किया। बाकी आप इसको अच्छे से ग्रेफाइट पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, इसलिए मैंने इसमें डार्क पार्ट में चारकोल का यूज़ किया। इस फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं इसको। और अगर आप इसको ड्रॉ करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना, मैं वहाँ पे देख लूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस तरह की मैं और भी वीडियो बनाऊँ कि नहीं। और अगर कुछ भी सिखाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।